लेकिन कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहाँ पर सरकार का ग्राउंड लेवल पर निकलता नजर आता है। सरकार ने ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं नौरंग मीडिया। अभी मैं हूँ बलिया जिले के अखार क्षेत्र में और आज आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अशोक सिंह से, जो कि सैन्य विभाग में भी काम कर चुके हैं, सेना कोर में शिक्षा के क्षेत्र में सर का योगदान रहा है और यहाँ बलिया में बासदी कॉलेज में सर पूर्व प्रवक्ता भी रह चुके हैं राजनीति दुनिया में। तो आइए हम जानते हैं सर की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहले आपका स्वागत है सर नौरंग। स्वागत है। नमस्कार, मैं रिटायर होने के बाद मैंने बांसी महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान का ज्वाइन किया था, लेकिन मैं वहाँ से भी अभी छोड़ दिया हूँ। आजकल मैं घर पर हूँ। मैं नौरंग मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम करें और आप लोग अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता की सेवा इससे बड़ी और कोई हो नहीं सकती। जी जी सर, कुछ चर्चा करेंगे अभी हम लोग। जैसे अभी जो देश की स्थिति है, देश की जो परिस्थिति है, इस पर आप अपनी विचार क्या देंगे, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं सर और सैन्य विभाग में भी अपना सेवा दे चुके हैं और एक व्याख्याता के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। तो आप अपनी विचार क्या देंगे अपने स्तर पर? सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे मोर्चे हैं जहाँ पर सरकार का ग्राउंड लेवल पर निकलता नजर आता है। सरकार ने ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या ये जानने की कोशिश किया है कि बूथ लेवल पर, जमीनी स्तर पर वो सुविधाएं पहुँच रही है कि नहीं? क्योंकि राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे, जो है जिन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो यहाँ जो है 10 पैसे। तो मुझे लगता है कि हमारे योगी जी और मोदी जी के यहाँ भी जो है लीकेज काफ़ी बढ़ रहा है। मेरा निवेदन है कि उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर इस सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो कुछ अच्छे कार्य जो हुए हैं उनको आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे क्षेत्रों में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ मैं जहाँ बलिया के बेसिक नंबर में कुछ समस्याएं हैं जिनके लिए अभी भी प्रयास हो रहा है, लेकिन इस विशेष करके ये NH की हालत देखिए, जो हमारे राज्य सरकार के थ्रू नहीं आता है, केंद्र सरकार का है, लेकिन इसकी हालत यहाँ से लेकर माजी तक इतनी ख़राब है कि विशेष करके अगर कोई पेशेंट या मरीज डेरिया क्षेत्र का हो और उस इलाके से जिला अस्पताल में पहुँचना हो तो बहुत ही दिक्कत। मेरा निवेदन है संबंधित अधिकारियों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि वे इस पर जोरदार तरीके से काम करें और जल्द से जल्द इसको ठीक करें। केंद्र सरकार के रेलवे निजीकरण के फैसले से युवाओं में आक्रोश रोजगार के लिए, तो आप इस पे आपके क्या विचार होंगे? सरकार को इस पर अच्छा से सोच विचार करके कोई कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देना है तो प्राइवेटाइजेशन भी तो जरूरी ही है, लेकिन उसके साथ साथ देश हित का ध्यान रखना चाहिए। हमारे युवाओं को, हमारे कश्तकारों को, किसानों को या जो भी संबंधित लोग हों, उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। आपका कहना यह है कि अगर रेलवे का निजीकरण होता है तो रोजगार बढ़ेंगे? हाँ, ऐसा तो गवर्नमेंट का भी सोचना है और हम लोगों को भी। सरकारी क्षेत्र में कुछ लिमिटेड मान्यताएँ हैं और उससे ज़्यादा हम लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, तो सरकार उसी तर्ज पर अगर लोगों के जीवन को बढ़िया बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसके लिए प्रयास करते हुए उसी मानदेय पर प्राइवेट में भी अगर नौकरियों का सृजन किया जाए और नौकरी का स्थायित्व प्रदान किया जाए तो मेरे ख्याल से प्राइवेटेशन को ज़्यादा बुरा। मगर कुछ लोगों का कहना है कि अगर रेलवे का निजीकरण हो जाता है तो जो 40 लाख लोग चना भूजा बेच लेते हैं वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
सरकार को इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और उन लोगों को उसी स्तर का ट्रेंड करके क्यों ना हम उन्हीं को लाइसेंस और परमिट दे दें उन ट्रेनों में मतलब जो है ये चीज़ें सप्लाई करने के लिए। लेकिन उसके लिए मानक निर्धारित कर दिया जाए कि उनको भी हम अच्छे तरीके से तैयार करके जिस तरीके से हम स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तैयार करके उनके लिए भी हम लोग ड्रेस वगैरह या ड्रेस कोड उनके लिए लाइसेंसिंग का कहना है कि अगर रेलवे निजी हाथों में चला जाता है तो टिकट के जो किराए हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे, इस पर आपके क्या विचार हैं? ऐसा है कि सरकार को इस पर ध्यान देना है और हमारी आबादी किस हिसाब से है और उसके हिसाब से ही किराया भी निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या का सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का साधन जो है रेलवे है और हमारी 80% जनसंख्या उस स्तर की नहीं है कि इतना किराया बार बार बढ़ाया जाए। तो जो पहले पैटर्न चल रहा था उस हिसाब से ट्रेनों में किराया करने लगा। अच्छा, अगला सवाल आपसे करेंगे सर, अभी यूपी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अब हम जो नौकरी देंगे वो 5 साल संविदा के आधार पर, जिससे युवाओं में काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आप अपना क्या विचार है? ऐसा है कि अयोग्यता को छांटने के लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए जी, और एक आदमी का जो इंटरव्यू होता है जी, कुछ सेकंड्स के अंदर इंटरव्यू लेकर के या कोई सम टेस्ट लेकर के उसके पूरे मेंटलिटी का नहीं उठाया जा सकता क्या वो उस पोस्ट के लिए योग्य है कि नहीं। तो अगर ये निर्णय सरकार का है कि हर आदमी को पहले 5 साल परखा जाए उसके बाद उसका नौकरी परमानेंट किया जाए तो इसमें युवाओं का क्या परेशानी हो सकता है? जो अच्छा काम करेगा, तो सेना में भी मैं जब था तो वहाँ शॉर्ट सर्विस कमीशन SS का प्रावधान था और जो आदमी उसमें सेलेक्ट हो जाता था तो वो SS में भी अगर वो कुछ 5 साल करने के बाद उसको परमानेंट कर दिया जाता था और उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। ऐसे युवा कर्मचारियों की तलाश के लिए सरकार का अच्छा कदम कहा जाएगा जी, मतलब आपने समर्थन किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि छांटने के लिए कम से कम 5 साल की तो रोजगार मिले सबको। इतनी बेरोजगारी है तो जो उसमें से छट जाएंगे लोग, उनको फिर दूसरे उनसे लोअर जॉब में दिया जाए उनको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आपको भी धन्यवाद, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।